हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी हेवन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बादाम मिल्क की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बादाम मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। बादाम मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ 25 ग्राम बादाम लिया है। इसे हम गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगा देंगे। आप चाहे तो इसे रात भर के लिए भी भिगा सकते हैं। आधे घंटे के बाद देखेंगे बादाम अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसके छिलके को हटा देंगे। बादाम के छिलके को हटा दिया है, इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इसमें 3 काजू डाल देंगे, 4-5 अखरोट डाल देंगे, 2 हरी इलायची डालकर ढक्कन लगा देंगे। अब ये थोड़ा दरदरा सा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे एक बार और अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। अब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। अब कढ़ाई में 2 से 3 गिलास दूध डाल देंगे और इसे उबाल लेंगे। दूध में उबाल आ गया है, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे चला लेंगे। अब बादाम के पेस्ट को दूध में डाल देंगे। और थोड़ा सा दूध निकालकर ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। अच्छी तरह से पेस्ट को निकालकर डाल देंगे। और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें 3 चम्मच चीनी डाल देंगे। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे चलाते हुए 6-7 मिनट तक पकाएंगे। दूध अच्छी तरह से पक गया है और गाढ़ा भी हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। पहले दूध को ठंडा कर लें, उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ये देखिए ठंडा दूध है। अब इसे 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटने से बहुत ज़्यादा गाढ़ा और क्रीमी हो जाता है। अब इसे सर्व करते हैं। अब बादाम मिल्क को गिलास में डालते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर देंगे। और इस बादाम दूध को इस गर्मियों में बनाकर ठंडा ठंडा सर्व करें। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।